आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मारुफ गेमर्स। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओला कंपनी, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपने ओला कैब के लिए बहुत ही पॉपुलर है। वो कंपनी इलेक्ट्रिकल स्कूटर लॉन्च करने जा रही है और इस स्कूटर की लॉन्चिंग डेट है 15 अगस्त 2021। और एक बार फुल बैटरी चार्ज होने के बाद ये हमें 240 किलोमीटर तक का रेंज कवर करती है ये। तो इसीलिए इसमें चार्जिंग का कोई टेंशन नहीं है कि हम चार्ज कर लेंगे और कितने देर बाद जाके ये चार्ज खत्म हो जाएगा, तो इसकी टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है। एक फुल चार्ज पे ये हमें 240 किलोमीटर तक का रेंज कवर करता है। और अगर हम रेगुलर स्कूटर्स की बात करें तो उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है पेट्रोल, दूसरी पॉल्यूशन। ये दो मेजर प्रॉब्लम है रेगुलर स्कूटर्स की। तो अभी तक ओला इलेक्ट्रिकल स्कूटर को 1 लाख लोगों ने रजिस्टर कर चुका है और इसका रजिस्ट्रेशन फीस था 499, जो कि स्टार्ट हुआ था 15 जुलाई से। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आता है 1 लाख, 1 लाख से स्टार्ट होता है और 1,20,000 के रेंज में ये स्कूटर अवेलेबल होगा 15 अगस्त के बाद से। ये स्कूटर अवेलेबल होगी 10 डिफरेंट कलर्स में, जो कि काफी अच्छी बात है। काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको कलर सिलेक्शन का। इसके फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। ये सिर्फ 18 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है और 50% चार्ज होने पे ये हमें 75 किलोमीटर तक का रेंज देता है, और अगर ये 100% चार्ज है तो ये हमें 150 किलोमीटर तक का रेंज कवर करता है। और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें ड्यूअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, मैंने एक फोटो भी अटैच कर दिया ताकि आप लोगों को इजिली समझ आ जाए। सिंगल पीस सीट है, ये तो सबको पता है सिंगल पीस सीट क्या होता है। नंबर 3 एक्सटर्नल चार्जिंग पोर्ट है, इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो बाहर साइड से होगा तो इसमें चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4th है LED DRL। LED DRL, अगर जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि एक लाइटिंग सिस्टम होता है आपके स्कूटर के ऊपर या फिर हेडलाइट के चारों तरफ होगा, तो इसको बोलते हैं LED DRL। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर, जितने भी इंडिकेटर्स होंगे वो सारे डिजिटल होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।